के श्रृंगल लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं और जबरदस्ती पीछा, कितने देर तक पीछा करेंगे आपको दिखाऊंगा मैं। बीचों बीच एक जो लेक है उसमें कोबरा पाइथन जैसे सांप घूम रहे हैं यार। तो ये है गाइस द फ्लोटिंग मार्केट पेटा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी मार्केट जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। वो जो आप देख रहे हैं ऊपर में वो है लोटस टावर और ये है फ्लोटिंग मार्केट। तो ये फ्लोटिंग मार्केट, वक्त था जब श्रीलंका को पेट्रोल ख़रीदने के भी श्रीलंका के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लाइक ये इतना इन डेप्थ हो गया था उन लोग कि वो लोग फ्यूल इंपोर्ट भी नहीं करवा सकते थे। लोग जो हैं वो फ्यूल ख़रीदने के लिए दो दो तीन तीन दिन लाइन में खड़े रहते थे। और जब क्राइसिस ऐसा पड़ा उसकी वजह से फ्यूल की जो प्राइस वगैरह थी वो बहुत डबल ट्रिपल मतलब चार चार गुना, लोग ब्लैक में फ्यूल बेचा करते थे यहाँ पर। और इतनी बुरी तरीके से क्राइसिस होने के बावजूद भी जो है श्रीलंका अब जो है बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा स्टेबल हो गया, क्योंकि अभी आज जो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे परेड वगैरह हो रही है और जो ट्रिब्यूट के लिए जो होते हैं चॉपर्स वगैरह उड़ रहे हैं, तो वो देखकर ऐसा बोला जा सकता है कि लाइक इकॉनमी जो है वो धीरे धीरे ठीक हो। कैसे ये जो है फॉरेनर को देख के श्रीलंकन लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़बरदस्ती पीछा, कितने देर तक पीछा करेंगे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ज़बरदस्ती क्या करते हैं ना गाइस, ये लोग के पीछा करते रहते हैं। इनको बस गोरी चमड़ी दिखने से मतलब है, टूट पड़ते हैं ऐसे। मैं जैसे इंडियन हूँ, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी सेम है, तो मुझे भी बहुत कम लोगों ने अप्रोच किया। ये देखो गाइस, यस मेन सिटी के बीचों बीच एक जो लेक है उसमें कोबरा पाइथन जैसे सांप घूम रहे हैं यार। अगर गिर गया कोई इसमें बाय मिस्टेक तो भाई उसकी तो जान जाने की गारंटी 100% है। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी सांप है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये एक लेन से दूसरे लेन को कनेक्ट करने वाली एक इंटरसेक्टिंग ब्रिज कह सकते हो आप इसको। और ये जो है ये फ्लोटिंग रिवर के ठीक राइट साइड पे है। तो मैं जो स्ट्रीट से वॉक कर रहा था वो यहाँ से वॉक करके मुझे दूसरे स्ट्रीट पे जाना है। तो यहाँ पर लाइक कोई बीच में कटवट नहीं है, ऐसा लाइंस बनी गई है, सिर्फ दो टो लाइंस ऐसी है लाइक इंटरसेक्टिंग ब्रिज, जिससे मैं एक लेन से दूसरे लेन पर जा सकता हूँ। तो गाइज मैं जा रहा था, जाते जाते गाइज उतना बड़ा पाइथन मुझे इस शहर के लेक पर दिखा, तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ। ये छोटा छोटा आइलैंड में और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोलंबो का रेलवे स्टेशन, यानी कि ये जो रेलवे हब है ये इसका कोलंबो का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से जितने सारी लाइंस जाती है सिटीज़ या फिर स्टेट्स जैसे कैंडी हो गया, ट्रकोमाली हो गया, वो सारे जगह पर जाती है ये। तो गाइस जैसे सड़क से गुजर रहा था तो यहाँ पर मुझे मिले कुछ स्नैक्स खाने के लिए, लाइक मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था। तो ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है 150 LKR। तो इट वाज वेरी गुड ब्रदर। तो मैंने ये एक लिया, मैंने ये चिकन सैंडविच लिया 150 का और ये एक लिया यार, काफ़ी स्वादिष्ट था, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये कुछ शॉप है और मैंने ये मार्शमेलो लिया, ये जो मुझे पड़ा 160 LKR का।
तो मैंने ये मार्शमेलो लिया यहाँ से। तो बात बाकी वो जो स्वीट्स वहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो 1250 LKR के, लाइक हम लोग के कंट्री में वो काफ़ी सस्ता में मिलता है, लेकिन इनके कंट्री में वो काफ़ी महंगा है। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। एक जो चीज़ मैंने यहाँ की नोटिस की है, लाइक के इन कंपैरिजन विद द मैन, फीमेल जो है वो काफ़ी लॉयल है अपने काम के लिए। लाइक कल रात में मतलब क्या हुआ ना कि कल रात में 7 बजे के आसपास में मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी, मैं सोचा कि झपकी ले लूँ गाइस। तो वो जो 7 बजे सोया ना, तो 12 बजे रात में उठा, जब फिर उठ के जब मैं अपने होटल के बाहर गया ना, तो देखा सब कुछ बंद है। तो मैंने लाइक 1 किलोमीटर के आसपास में या 1.5 किलोमीटर के आसपास में वॉक किया अपने होटल से कुछ खाने के लिए। तो एक शॉप मुझे खुला मिला, जिसका मैंने आपको लाइक बताया था कि क्या रेट चल रहा है, क्या बंस वगैरह बेच रहे हैं। तो वहाँ पे क्या था ना, प्राइस टैग वगैरह नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया ना, लाइक उनसे पूछा कि क्या प्राइस है ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कितना रात में वो कुछ तो अटपट प्राइस बोलेगी मेरे को, बट क्या हुआ ना कि वो उन्होंने बोला कि इतना इतना रिजनेबल प्राइस बोला। तो फिर मुझे एहसास हुआ लाइक कि हाँ, शी इज़ लॉयल, इतने रात के टाइम पे भी, शॉप क्लोज होने के टाइम पे भी मुझे सही रिजनेबल प्राइस पे सामान मिल गया।